हेलो दोस्तों, आज हमारी एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रेशियो ऑफ। हमें रेशियो निकालना, किसका रेशियो निकालना, रुपीज 5 टू 50 पैसा। हमारा रेशियो है, ए पार्ट हमारा है रुपीज 5 टू 50 पैसा। अब हमारा ये रुपीज में है, ये पैसे में, हमें इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। सेम यूनिट मतलब अगर ये रुपीज में तो इसको भी रुपीज में करना है, अगर ये पैसे में तो इसको भी पैसे में करना है। तो हम सिंपली रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें मालूम है वन रुपीज में कितना होता है, 100 पैसा होता है। कितना पैसा होता है, 100 पैसा। तो 5 में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 100 हो जाएगा सिंपली, तो 500 पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कर सकते हैं आराम से। अब क्या, 5 टू 50, तो 5 मतलब 500 पैसा हो जाएगा। 5 रुपीज का मतलब क्या होगा, 500 पैसा और अपॉन 50 पैसा, इनका एक से एक कट रहा। ठीक है, अब हमारे कितना बच रहा, एक से एक कट रहा। अब हम देखेंगे हमारे क्या बच रहा, 50 अपॉन 5 बच रहा। तो 5 वन जा 5 और 5 टेन जा 50। ठीक है, तो 10 अपॉन 1, तो रेशियो क्या आएगा, 10:1 आ जाएगा। 10:1 हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, ऐसे मैं सेकंड पार्ट देखता हूं। जब मैं सेकंड पार्ट देख रहा हूं अपना, तो हमारा क्या है, 15 केजी टू 210 ग्राम। अब यहां केजी में, ये ग्राम्स में, तो हमें केजी को, बिग यूनिट को स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे। तो मुझे मालूम है 1 केजी में कितना होता, 1000 ग्राम होते। तो भाई 15 में कितना होगा, 15 केजी में कितना हो जाएगा, 15 इंटू 1000 हो जाएगा, इसमें 15000 हो जाएगा। तो अब हम निकाल सकते हैं आराम से 15000, रेशियो निकालेंगे 15000 अपॉन 210, 0 से 0 कट जाएगा। अब कितना, 1500 अपॉन 21, 3 से कट रहा, 3 7 जब 21 होता है, 3 5 जब 15 होता है, वही जो 0। अब 500 रेशियो 7, 500 अपॉन 7, तो हम क्या लिखते, 500 रेशियो 7 कर सकते हैं इसको। सॉरी, ऐसे हमारा थर्ड पार्ट है, सी पार्ट हम चेक करेंगे। 9 meter to 27 centimeter, अभी मीटर में ये सेंटीमीटर, वही 1 meter इक्वल टू कितना होता है, 100 centimeter होता है। कितना होता है, 100 centimeter। तो भाई 9 meter में कितना होगा, 9 meter है ये, सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर इक्वल टू कितना होगा, 9 into 100, तो 900 centimeter हो जाएगा। तो हमारा रेशियो 900 upon 27। अब इसको काटेंगे तो 3 से कट रहा, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 27। ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, 300 upon 9 आ रहा। फिर 3 से कट रहा, 3 1 जा 3, ये 0 पर, और 3 3 जा 9, तो कितना हो रहा, 100 upon 3। इट मीन्स क्या होगा, 100 रेशियो 3। सॉरी, ओके। फोर्थ वन हमारा है, डी पार्ट हमारा है, 30 days to 36 hours। सॉरी, आवर्स। तो हमें मालूम है 1 day में कितने आवर्स होते, 24 होते। 24 होते, तो 30 days में कितने होंगे, 30 into 24 हो जाएंगे, तो 4 3 जा 12 और 2 3 जा 6 7, तो 720 hours हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 720 hours। तो हमारे रेशियो आएगा 720 upon 36। ओके, अब 36 1 जा 36, 32 2 जा 72 होता है ये, तो हमारा 20 upon 1 बच रहा, तो रेशियो 20:1 हो जाएगा। ओके, थैंक यू।